हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलेडियम के पौधे के बारे में। और इसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि एलिफेंट ईयर, हार्ट ऑफ जीसस और एंजल विंग्स भी कहा जाता है। और बस ये ठंड में थोड़ा बहुत संवेदनशील पौधा है, तो सर्दी में इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं कि अभी स्टार्ट हो गई हैं सर्दियाँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा ड्राई हो गए, पुराने भी हो रहे हैं शायद, इसलिए भी ड्राई हो रहे होंगे। बाकी आप इनको कट कर दीजिए, ये देखिए यहाँ नीचे से आप इसे कट कर दीजिएगा। ये एक और है यहाँ पर, तो इसे भी मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो जाती है, फिर से ये स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक बुशी प्लांट है, तो आपके पूरे पॉट को ये पूरा फिल कर देता है। तो इसकी बात करते हैं कि इसको प्लांट कैसे किया जाता है। तो इसका बल्ब होता है, और इसके एक सेकंड में आपको बल्ब दिखाती हूँ कि कैसे किस तरीके से होता है। तो बल्ब इस टाइप के होते हैं, तो इनको फिर आप मिट्टी में उगा देंगे। फरवरी में आराम से उग जाते हैं, तो ये धीरे धीरे स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे इनकी पत्तियाँ बड़ी होती जाएंगी। और आप देखिए फिर ये प्लांट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप ऐसे ही इनको बल्ब को आप उठा के सुखा के इनको रख सकते हैं और इनको उगा, मतलब आप मिट्टी में दबाएं इनको फेब में, और ये आराम से उग जाते हैं। तो ये बहुत नॉन केयरिंग वाले प्लांट होते हैं, इनको ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से बहुत आसानी से उग जाते हैं और बहुत ज़्यादा घने भी हो जाते हैं। तो आप इनको किसी भी प्लांटर में, प्लास्टिक के प्लांट में या टेराकोटा के प्लांट में, और कौन कौन से आते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लांटर हो रहे हैं आजकल, तो आप किसी भी प्लांटर में उगा लीजिए। और फिर ये देखिए, प्लास्टिक के प्लांटर में भी ये बहुत अच्छे से उग रहे हैं। मैंने इसको एक ही बल्ब लगाया था, मतलब एक ही बल्ब लगाया था, और ये देखिए ये कितनी जल्दी फैल जाते हैं, ये देखिए। मगर इसकी मिट्टी ना, आप इसको मॉइस्ट ही रखिएगा। वैसे भी बरसातों का टाइम है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। और इसको किसी शेडी एरिया में रखिएगा, और जहाँ पे ब्राइट लाइट आ रही हो, और बिल्कुल डायरेक्ट सन नहीं चाहिए इसे, मगर इनडायरेक्ट सन इसे चाहिए, मगर इंडोर बिल्कुल अंधेरे में से मत रखिएगा। तो गर्मियों के हिसाब से एक परफेक्ट प्लांट है, कितना खूबसूरत प्लांट है अपने आप में ये। तो बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी में मैंने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, मैंने मिट्टी, सैंड और थोड़ी सी खाद मिक्स की है आपस में। और आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट खाद की जगह, जैसे गोबर का खाद मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आप वर्मी कंपोस्ट और भी तरह तरह के DAP बीच बीच में डालते रहिए। तो ये सब चीज़ें हैं पूरे कैलेडियम के पौधे के बारे में, और मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।